अस्सलामु अलैकुम। रिसेंटली जो यूएस का डाटा आया है उसको अगर हम देखें तो उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट हमें गोल्ड पर नज़र नहीं आया, इसलिए उस डाटा को फिर हम कल की मॉर्निंग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी अगर हम देखें तो गोल्ड 1799 डॉलर के पास चल रहा है। अभी तक गोल्ड ने हमारे मॉर्निंग के लेवल को ब्रेक नहीं किया, लेकिन अब जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी, यानी कि जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है गोल्ड का वो बन रहा है 1800 से लेकर 1806 का जो एरिया है, ये तमाम एरिया ही रेजिस्टेंस एरिया ही है। लेकिन अब जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1806 की। अगर गोल्ड 1806 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1810, 1815 और 1820 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अब जो हमारी इमीडिएट सपोर्ट रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1787 डॉलर, यानी कि 1788 और 87 डॉलर। अगर गोल्ड ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो गोल्ड 1780, 1775 और 1770 तक जा सकता है। गोल्ड अभी भी पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है। अब हम चलते हैं जी यूरो पर। तो यह है जी यूरो का चार्ट, 1596 के आसपास चल रहा है यूरो, 1625 के आसपास के हाई बनाने के बाद। इसमें अभी भी हमारी जो मॉर्निंग वाली रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है 1620 की। अगर 1620 ब्रेक करता है तो फिर 1640 और 1665 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी यूरो में वो रहेगी 1570 की। अगर यूरो 1570 अब ब्रेक करता है तो 1560, 1530 और 1520 तक जा सकता है। यूरो फिलहाल भी पॉजिटिव जोन में चल रहा है। यह है जी पाउंड का चार्ट। 3715 की हमारी रेजिस्टेंस थी, इसने 3735 के आसपास के हाई बनाए, लेकिन अगर आप H4 पर देखेंगे तो इसने हमारी रेजिस्टेंस को फिलहाल ब्रेक नहीं किया। लेकिन फिर भी अब जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 3750 की पाउंड में। अगर 3750 ब्रेक करता है तो 3780 और 3800 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अब जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 3650 की। अगर 3650 ब्रेक करता है तो 3630 और 3600 तक जा सकता है। पाउंड फिलहाल भी पॉजिटिव जोन में चल रहा है। यह है जी USD JPY, 113.60 के आसपास चल रहा है। इसमें अभी भी हमारी जो रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है 113.80 की। इसको ब्रेक करेगा तो 114.20 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अब जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 113.20-25 की। इसको अगर ब्रेक करता है तो दोबारा से 113 और इसके नीचे जा सकता है। USD JPY अभी भी पॉजिटिव जोन में चल रहा है। यह है जी सिल्वर, इसने 23.25 के लेवल को ब्रेक किया और फिलहाल 23.35 के आसपास चल रही है। तो अब जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी सिल्वर में वो रहेगी 23.50-55 की। अगर सिल्वर 23.50-55 ब्रेक करती है तो सिल्वर फिर 23.80 और 24 डॉलर तक जा सकती है। दूसरी साइड पर अब जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 22.90 की। यह है जी यूएस ऑयल, 82 डॉलर की हमारी रेजिस्टेंस थी, लेकिन 81.65 के आसपास से ये रिजेक्ट हुआ और फिलहाल 80.90 के आसपास चल रहा है। तो यूएस ऑयल में हमारे मॉर्निंग वाले लेवल इंटैक्ट हैं, 82.15 की हमारी रेजिस्टेंस है और 79 डॉलर की हमारी सपोर्ट है। क्रूड ऑयल अभी भी पॉजिटिव जोन में चल रहा है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूला करें। थैंक यू।